से इविक्ट होने के बाद अंकित गुप्ता बने बिग बॉस के एक एपिसोड का हिस्सा। इस एपिसोड में अंकित गुप्ता की जर्नी के बारे में बात किया गया और साथ ही साथ अंकित गुप्ता से बहुत सारे सवाल किए गए। उनमें से ही एक सवाल होता है कि बिग बॉस के ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनसे ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। फिर इस सवाल में अंकित गुप्ता का जवाब होता है शिव ठाकरे। फिर अपने इस आंसर को अंकित गुप्ता समझाने की भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई शिव से दोस्ती करता है तो फिर उसे शिव को पे बैक करना पड़ेगा, और अगर कोई शिव से दुश्मनी करेगा तो शिव ठाकरे सामने वाले इंसान को गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं। शिव सामने वाले के बारे में गलत बातें करते और साथ ही साथ अपनी सारी बुरी हैबिट को सामने वाले पर्सन पर डालने लगते हैं। साथ ही अंकित गुप्ता बोलते हैं कि शिव बहुत स्मार्ट प्लेयर है, उन्हें पता है कि कब चीजों को कैसे करना है। अंकित बोलते हैं कि अगर शिव की किसी से आर्गुमेंट होती है तो शिव उस टाइम पर अपनी सारी चीजों को बर्स्ट नहीं करते, तुरंत से बात नहीं करते, बहस नहीं करते हैं। शिव उस बात को अपने मन में रखते हैं और जब कोई मुद्दा उठता है तो उस टाइम पर शिव उन सारी बातों को भी बीच में लेकर आते हैं। यानी कि अंकित गुप्ता के हिसाब से शिव ठाकरे के साथ ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। लेकिन अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शिव ठाकरे एक स्मार्ट प्लेयर है। वेल, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।